वीडियो का। ये फैला हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल भास्कर स्नेहा ब्लॉग्स। भास्कर स्नेहा ब्लॉग्स वाले आपन लोगों को स्वागतम जनाइसु। अभी मैं हूँ असम में, मेरा घर जहाँ पे है जामुगुड़ी हाट। स्नेहा नहीं आया, स्नेहा कोलकाता में ही है। मम्मी का थोड़ा डॉक्टर चेकअप होगा, पापा का भी थोड़ा डॉक्टर का चेकअप है, तो बाय रोड गाड़ी लेके हम लोग डिब्रूगढ़ जाएंगे। यहाँ से जो डिब्रूगढ़ का डिस्टेंस है, यहाँ से डिब्रूगढ़ का डिस्टेंस है अराउंड 350 किलोमीटर अगर मैं जाऊँ काजीरंगा जोरहाट होके, और अगर बोगीबिल गोहपुर बोगीबिल होके मैं जाता हूँ तो डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि 270 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस हो जाता है। तो अभी हम लोग 270 किलोमीटर वाले प्रेफर करेंगे। डिब्रूगढ़ में मेरा बड़ा मामा रहता है, वहाँ वहीं पर जॉब करता है, तो वहीं पर आज रहेंगे। कल डॉक्टर दिखाएंगे, फिर परसों रिटर्न होने का प्लानिंग है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये और उससे पहले मैं थोड़ा अपना घर दिखा देता हूँ। ये मेरा रूम है, हम लोग का रूम है ये। अभी तो ऐसे ही कचरा पड़ा हुआ है, सब सामान खाली है क्योंकि हम लोग रहते हैं कोलकाता में। अभी ऊपर का ऐसे ही रहता है, तो फटाफट एक क्विक होम टूर करा देता हूँ। ये इधर भगवान जी है, हम लोग का ये भगवान जी को थपोना बोलता है, थपोना। तो इधर किचन, इधर से नीचे जाते हैं, ये है बैल्कनी। इधर मेरा अंकल का घर है, इस साइड में भी अंकल का घर है। ये हम लोग का, ये पापा का गाड़ी है, और ये गाड़ी मैं अपने दोस्त से लेके आया हूँ रांगापाड़ा से। तो यही गाड़ी मैं आज लेके जाऊँगा डिब्रूगढ़। तो गाड़ी के लिए टुबाई को थैंक्स बोल देता हूँ। टुबाई पॉल, थैंक यू सो मच फॉर द कार। ये घर का नीचे का किचन है जहाँ मम्मी पापा यूज अभी कर रहे हैं, और ये हम लोग का घर का पीछे का एरिया है जहाँ पापा कुछ फ्रूट्स का गाछ, वेजिटेबल्स वगैरह लगा के रखे हैं, जैसे कि मिर्ची का गाछ हो गया और पपीता का गाछ। और ये है चकोतरा, हिंदी में बोलते हैं चकोतरा, इंग्लिश में पोमेरू, और आसामीज में रोबाब तेंगा बोलते हैं। ये नींबू का गाछ हो गया, फिर लौकी, कुमड़ो, ये सब गाछ है, पान तमल सुपारी का गाछ है, फिर लाओ बोलते हैं हम लोग उसका गाछ है, ये केले का गाछ है, ये है पान का गाछ, फिर हो गया अमरूद का गाछ, गुआवा, हम लोग आसामीज में इसको बोलते हैं मधुरियम, और ये नींबू का गाछ है, मेहंदी का गाछ, जो डेली रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है घर में, वही सब चीज़ें लगा के रखे पापा फ़िलहाल, ताकि बाज़ार से कम आए, ऑर्गेनिक हम लोग को खाने के लिए मिले। ये पपीता का गाछ, ये वाला हो गया भिंडी का गाछ हो गया, ये भिंडी अभी फूल दे रहा है तो भिंडी होगा थोड़ा दिन बाद। आसाम के विश्वनाथ जिला के विश्वनाथ चारेली में अभी पहुंच गए हम लोग। हम लोग का घर से हार्डली हाफ एन आवर लगता है, जामुगुड़ी से आधा घंटे का रास्ता है। अभी विश्वनाथ चारेली से हम लोग जाएंगे गोहपुर। गोहपुर से डिब्रूगढ़ का डिस्टेंस अराउंड 215 किलोमीटर होगा वाया बोगीबिल। ये मेरा मम्मी और मेरा पापा, नमस्ते। मिठाई खरीद के लेके आया, क्या नीला मिठाई ना। अच्छा अभी एक्सचेंज हो जाएगा सीट, इधर एक्सचेंज मम्मी और नहीं हुआ क्यों लागत में पापा जो पापा थोड़ा सा रेस्ट करके सो के जाएगा, इसलिए पीछे बैठ रहा है। अभी मम्मी एक्सचेंज होके सामने फ्रंट सीट पे आ गया। ये ले लिया है छोटे मामा के घर के लिए।
बोरगांग ब्रिज है सामने। फोर लेन का रास्ता बन रहा है, फोर लेन का काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा रास्ता बीच बीच में खराब है। विश्वनाथ चाली से जो गोहपुर जाने वाला रास्ता तो बीच बीच में खराब मिलेगा। ये है बोरगांग ब्रिज। नदी वैशिष्ट मानने घड़िया माँ इतना अच्छा घरली और बोरगांग एक नदी घड़िया माँ पा जाए। पापा बोल रहे हैं ये वाला जो नदी है, ये नदी में एक मछली मिलता है, जैसे कोलकाता में इलिश मछली फेमस है, तो यहाँ पे घोड़िया माछ बोल के है, तो ये घोड़िया माछ ये वाला जो जगह है यहाँ पे मिलता है, यहाँ का स्पेशलिटी है ये नदी में। हाँ, ये पहाड़ से आता है, वो खिल घोड़िया बोलता है, जो मछली का नाम है खिल घोड़िया। पहाड़ से उतर के आता है जब बारिश थोड़ा थोड़ा होता है उस टाइम में। गोहपुर घुस गए हम लोग। गोहपुर अभी छोटा मामा का घर के तरफ जा रहे हैं। ये गोहपुर टाउन एरिया है, फोर लेन बन रहा है तो थोड़ा सा रास्ता का ऊपर नीच हो रहा है। जब रास्ता पूरा बन जाएगा पूरा प्लेन एरिया हो जाएगा। ये बस स्टैंड है, गोहपुर बस स्टैंड नीचे ही है। अभी सीधा चला जाएंगे तो डिब्रूगढ़ जा सकते हैं यहाँ सीधा जाके, लेकिन हम लोग अभी छोटे मामा के घर में घुसेंगे, लंच करेंगे यहीं पे। सो अभी लेफ्ट ले लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट लेके थोड़ा जाके मामा का घर है। वो पहुँच गए हैं छोटा मामा का घर। ये रहा, अभी यहीं पे थोड़ा देर रुक के लंच करेंगे हम लोग। ये तो है पुराना वाला घर, अब ये नया करके बनाया है घर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है रहना। किन का होल? ये मेरा मासी दादी, थोड़ा तबीयत खराब है। आयता जान सिनी पसंद है हाँ? हम इतना साल बाद आया तो थोड़ा ए तो मेरा छोटा मामी। ये पर्सनल हम लोग का ही पुखूर है, मामा लोग का पर्सनल पॉन्ड है। अभी थोड़ा कचरा हुआ है, साफ नहीं हुआ है, अभी थोड़ा फ्लड होके गया बीच में, तो अभी थोड़ा कचरा है पॉन्ड। जय श्री राम। ये मेरा छोटा मामा, छोटा मामा का बॉडी था अभी कम गया, खुश हो गया। ये कुही है छोटा मामा का, छोटे लड़की, बड़ी वाली लड़की कीटू वो अभी डांस स्कूल में गया है। अभी लंच टाइम है, लंच कर लेते हैं। पूरा आसामीज फूड अभी कुछ कुछ अवेलेबल है, अभी कुछ कुछ जुगाड़ करके रखा है मामा मामी लोग ने, मासी लोग ने बना के रखा है। मछली है, पापड़, कुछ आसामी सब्जी है, और ये मछली टेंगा दे के बनाया है। हम लोग असम में टेंगा मछली बहुत फेमस है, टेंगा साग मिलता है, एक जंगली साग है तो वो खट्टा होता है तो उसी से बनाता है ये मछली, तो गर्मी में पेट ठंडा करता है, वो बहुत अच्छा है। तो ये मेरा छोटा मामा का बड़ी लड़की, हाय, डांस करने गया था अभी आ गया है। गर्म ना बहुत? बहुत गर्म, बहुत गर्मी है तो डांस करके थोड़ा तकलीफ हुआ इसको। ठीक है, कोई नहीं, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना वाना खा लो। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे डिब्रूगढ़, खाना वाना हो गया, लंच हो गया हम लोग का, अभी डिब्रूगढ़ निकलेंगे। जबा नहीं तुम्हें बोला नहीं जाएगा, इसको बोला चलो डिब्रूगढ़, बोला कॉलेज का फ्रेशर, कॉलेज खुल गया ना अब तो फ्रेशर्स। अभी तुम कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है, 11, क्लास 11। हम लोग का लंच हो गया, अभी निकलेंगे डिब्रूगढ़, सबको बाय बोल देते, बाय 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 बाय। अभी पापा आगे आ गया, मम्मी फिर पीछे चला गया। लो मैं बाय बाय। अभी हम लोग हैं नारायणपुर में, नारायणपुर से
लेफ्ट ले लेंगे, सीधा जा सकते हैं, सीधा जाके बीहपुरिया मिलेगा, बीहपुरिया होके वापस हम लोग यही रास्ते में कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये है नेशनल हाईवे, अभी जो लेफ्ट लिया है ये नेशनल हाईवे है, तो हम लोग फिलहाल नेशनल हाईवे पे ही रहेंगे। या ये हम लोग पहुंच गए हैं बांदोड़ देवा अरुणाचल प्रदेश, देख रहे हैं ये पुलिस ट्रेनिंग अरुणाचल प्रदेश बांदोड़देवा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ से बांदोड़देवा से हम लोग को सीधा जाना है और बोगीबील ब्रिज के लिए अभी टाइम है। बोगीबील ब्रिज जो है ये अपर असम और लोअर असम को कनेक्ट करता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो नया बना है। अभी हम लोग घुस रहे हैं लखीमपुर टाउन घुस रहे हैं। गोहपुर से लखीमपुर का डिस्टेंस है 83 to 85 किलोमीटर। अभी लखीमपुर से डिब्रूगढ़ का डिस्टेंस होगा 140 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। सो वाया बोगीबील होके जाएंगे, तो यहाँ पहले लखीमपुर पार होके और दो तीन जगह क्रॉस करने के बाद हम लोग बोगीबील ब्रिज मिलेगा। सो हाँ, धेमाजी मिलेगा लखीमपुर के बाद, धेमाजी आएगा, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, उसका बाद हम लोग को बोगीबील मिलेगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं धेमाजी टाउन घुस रहे हैं। धेमाजी टाउन में थोड़ा चाय पी लेंगे, फिर थोड़ा चाय पीने रुकते हैं, ये वाला दुकान में थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय पीना हो गया है हम लोग का, अभी फिर स्टार्ट करते हैं, चलो चलते हैं। बोगीबील ब्रिज पहुंचने से पहले ये एक छोटा सा ब्रिज मिलता है, लेकिन ये फ्लड का टाइम में थोड़ा नुकसान हो गया था, तो अभी टेम्पोररी हिसाब से एक पार्ट इसको काम चलाने के लिए बना के रखे हैं। यहाँ से हम लोग को राइट लेना पड़ेगा, हाईवे छोड़ के राइट लेना पड़ेगा बोगीबील ब्रिज, फिर डिब्रूगढ़ पहुँचेंगे। थोड़ा रात का टाइम में दिक्कत हो रहा है राइट लेने के लिए, देखते हैं। ओ लगता है गलत घुसा दिया है, ठीक है कोई नहीं, देखते हैं। रॉन्ग साइड में कौन भाले पाले को बोले चले नहीं ओहो बॉयस ले अपना हमने चेकिंग करिया सब ले पाले हूं मैं लोकाई पाले वाला डरे बोले रॉन्ग साइड में दिल। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक्चुअली, रात के अंधेरे में थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग्स थोड़ा कम है, इसलिए राइट लेने का चक्कर में मैंने गलत राइट ले लिया। पहले वाला राइट लेने का काम था, बट मैंने दूसरा राइट ले लिया, वो कि जबकि वो आने वाले गाड़ियों के लिए है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे आसाम पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सो सर लोगों ने थोड़ा पेपर्स चेक किया और जो भी फ़ाइन लगता है उसका 50% फ़ाइन माफ़ करके हम लोग को छोड़ दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बोगीबील ब्रिज पहुंच चुके हैं। ये रात का टाइम है तो थोड़ा व्यूज़ थोड़ा अच्छा नहीं मिलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए अच्छा एक दिन का व्यू दिखा रहा हूँ और एक वीडियो दिखा रहा हूँ और एक एरियल व्यू भी दिखा दे रहा हूँ। बोगीबील ब्रिज असम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। बोगीबील ब्रिज अपर असम और लोअर असम को कनेक्ट करता है। ये नियर अबाउट 5 किलोमीटर लंबा होगा, पूरा 5 किलोमीटर नहीं है एग्जैक्टली, बट 5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर लंबा है। बोगीबील ब्रिज एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज है, जहां रेल का दोनों साइड का आने जाने का दोनों का इंतज़ाम किया हुआ है और रोड ब्रिज भी है साथ में। ये सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया के अंदर में और इससे अपर असम एंड लोअर असम का जो कनेक्टिविटी है, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड अपर असम का जो कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छा हो गया है। और फाइनली डिब्रूगढ़ पहुंचने वाले हैं हम लोग और 12 किलोमीटर है यहाँ से मेन टाउन तक, डिब्रूगढ़ मेन टाउन तक। ये देखो पहुंच गया, ये मेरा बड़ा मामा और साथ में है लुई।
मामा एक्चुअली रेलवे का इंजीनियर है, तो ये रेलवे का तरफ से एक क्वार्टर दिया हुआ है मामा को यहाँ पे। एट लास्ट आई मी पालू ही। ये फैला लुई, इसका नाम लुई है, लुई। ये मेरा बड़ा मामा, ये मेरा बड़ा मामी है। आलुया माइना, ये मेरा बहन मामा का लड़की माइना। हेलो एवरीवन। और एक बड़ा मामा का छोटा लड़का है, उसका नाम टुमन है, वो फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा है गुवाहाटी में, अभी घर पे नहीं है। एकदम तमाम, फाइनली हम लोग पहुंच गए बड़ा मामा का घर। अभी आज रात को यहीं पे रहेंगे, कल सुबह मम्मी और पापा का डॉक्टर का चेकअप है, डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होने के बाद कुछ खा पी लेंगे। लुई नेक्स्ट दिन। अभी हम लोग ये स्पेशल आइटम अभी खा रहे हैं, आसामीज क्विजिन बोल सकते हैं, ये है पोर्क, हम लोग का फेवरेट है बहुत। तो ये जो पोर्क ये वाला आइटम है, ये गाज देके बनाया है, गाज टेंगा मतलब जो बैम्बू शूट है ना, बैम्बू शूट देके ये वाला पोर्क बनाया है, ये बैम्बू शूट देके बनाया हुआ है, और ये नॉर्मल ड्राई फ्राई टाइप बनाया है मामी ने। खाने मामी दीपा मामी, ये है आर्टिस्ट और ये है आर्ट। तो साथ में और दाल है, राइस, ये सब है। एडुकी ये थोड़ा चिकन है, चिकन है, अंडा भी है। जो 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 लोग पोर्क नहीं खाता है उन लोगों के लिए अंडा स्पेशल। ये माटी दाली होते ना दिया, ये आसामीज लोग का फेवरेट दाल अभी है माटी दाली। माटी दाली जो काली दाल है, वो काली दाल को ही बिना छिलके हटाए, बिना छिलका जो है हटाए, वो माटी दाली हम लोग बोलते हैं, उसका खार देते हैं हम लोग का स्पेशलिटी। और ये अभी दिया है ओ टेंगा, ओ टेंगा मतलब चाल कुमड़ो बंगाली में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट एप्पल। सो ये देने से, ये तो जंगली फ्रूट है, ये देने से क्या होता है, दाल थोड़ा खट्टा खट्टा वाला टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, और गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत पेट ठंडा करता है। तो ये हम लोग का फेवरेट दाल है माटी दाली विथ ओ टेंगा, हम लोग ओ टेंगा बोलते हैं। बट हम लोग का फेवरेट यही आइटम है पोर्क और ये। तो ये तो है बड़ा मामा लोग का घर में अभी लंच का रेसिपी। अभी नेक्स्ट दिन है, सो अभी डॉक्टर वॉक्टर दिखा लेंगे, फिर डॉक्टर दिखा के फिर हम लोग निकलेंगे। तो डॉक्टर दिखा के फिर निकलेंगे, अभी टाइम लगेगा क्योंकि अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट हो रहा था डॉक्टर लोग का। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग अभी भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसा वीडियोस और मिलते रहे। और हाँ, नेक्स्ट और एक वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, विद इन 2-3 डेज आप लोगों के पास और एक वीडियो आने वाला है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट जो फर्स्ट टाइम असम में आया है, वो है एटीएम मिल्क मशीन। उसका वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम असम में आया है, सो एटीएम से पैसा नहीं दूध निकलेगा। तो वो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ऑब्वियसली। सो मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो के साथ, एटीएम मिल्क मशीन वाला वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।